Hello students, welcome to GuruPhy, the core of learning. In this lecture, lecture 2.5, we will discuss an example based on superposition principle. It is taken from NCERT example number 1.6. So, इसमें क्या given है? तीन charges है हमारे पास, Q1, Q2, Q3. तीनों कैसे है? Identical. Three charges, each equal to Q, placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q? With the same sign as Q, so Q पे हमें force calculate करना है, कहाँ रखा है? Placed at the centroid, center पे रखा है इस equilateral triangle के, so we have to find the net force on charge Q due to all these charges. So हमें क्या करना है? Superposition principle apply करना है, तो पहले individual charges की वैसे force calculate करना है, तो देख लेते हैं कैसे कैसे लेंगे. So जो एक Q1 charge है, ये इस Q पर कैसा force लगेगा? रिपल्सिव इस डायरेक्शन में होगा. सो इस फोर्स को हमने कंसीडर कर लिया, कितना है? F1. नाउ दिस Q2 विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, दिस इज सपोज F2. द चार्ज Q3 इज अप्लाइंग द फोर्स F3 ऑन कैपिटल Q इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज F3. सो हमें पहले F1, F2, F3 का मैग्नीट्यूड चेक कर लेना है कितना है. सो F1 कितना है हमारे पास? K, Q और कैपिटल Q, K, स्मॉल Q, कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सपोज ये डिस्टेंस कितनी है? R. तो ये भी क्या होगी? R, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों डिस्टेंस भी R, R, R. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर. अब हम अगर F2 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? K, स्मॉल Q, कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर. तो यही हो जाएगा. अगर F3 की बात करें, सो K, Q, Q अपॉन R स्क्वायर, तो F3 भी सेम आ जाएगा. सो तीनों फोर्स कैसे हैं? आइडेंटिकल. रिजल्टेंट निकालने के लिए इन तीनों के बीच का एंगल देखेंगे पहले कितना है. सो ये एंगल कितना है? 30. सो ये 90, तो ये 60, ये भी 60. तो ईच एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव फोर्स इज 120 डिग्री. सो तीनों फोर्स आइडेंटिकल है और 120 डिग्री पे लगे हुए हैं. ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री. अब हमें ये पता है कि जब किसी पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रखे हैं और सभी फोर्स क्या है? मैग्नीट्यूड में सेम, और दो कंसेक्यूटिव फोर्स के बीच का जो एंगल है वो सभी के लिए क्या है? सेम. तो जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा होता है जीरो. दैट मीन्स व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस ईच हैज द सेम मैग्नीट्यूड आर एप्लीकेबल एट द सेम एंगल्स देन देयर रिजल्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा क्यू पर? नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी इक्वल टू जीरो. हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सपोज F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल ले और वो हो जाए F1 के अपोजिट और इक्वल, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो. तो इसको भी कर लेते हैं हम, एक अल्टरनेटिव मेथड कर लेते हैं. अल्टरनेटिव तो F3 ये है, ये F2 है और ये है F1. तो ये एंगल है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री. सो F2 और F3 के कंपोनेंट्स ले लेते हैं. इधर कंपोनेंट हो जाएगा F2 साइन 60, इधर कंपोनेंट हो जाएगा F3 साइन 60, F2 कोस 60 इधर और F3 कोस 60 भी इधर. ये F2 और F3 सेम है, तो ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा. तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड. तो ये कितना हो जाएगा? F2 cos 60 प्लस F3 cos 60. F2 और F3 सेम है, सो F2 cos 60 प्लस cos 60 2 cos 60. तो ये कितना हो जाएगा? 2. F2 cos 60 कितना होता है? हाफ. तो ये किसकी किसके इक्वल हो गया? F2. सो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में और वो हो गया F2, और F2 और F1 क्या है? सेम. तो ये दोनों क्या कर देंगे? दूसरे को कैंसिल आउट. तो नेट फोर्स ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? जीरो. सो इसको भी कर सकते हैं और ऐसे भी
लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2.6 में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे 1.7, पेज नंबर 17।